टू चैनल स्वागत है सभी का एपिसोड नंबर 19 ऑफ़ फायर में एंड पिछले वीडियो में आपको पता ही होगा कि हमने इस जिम में जाकर कोगा को हरा दिया था जिम लीडर कोगा को तो आज हम आ जाएंगे अब सफारी जोन घूमेंगे ठीक है आज हमारा थोड़ा विजिटिंग गेम होने वाला है तो यहाँ पर जाना किधर से है मुझे नहीं पता आई गेस यहाँ नहीं है रास्ता यार पहले तो मैं अपनी साइकिल निकाल लूँगा यार बाईसाइकिल यूज और हाँ यार मैंने पोकेमोन के अगर कुछ लेवल्स बढ़ाए हैं तो दिखा देता हूँ आप लोगों को भी इस घर के अंदर देखते ही क्या है वोड एन स्लो बॉक इज रनिंग अ प्रोमोशन कैंपेन राइट नाउ ट्राई टू गेट द दस्ट कॉर्नर ऑफ द सफारी जोन इफ यू कैन मेक इट यू विल विन अ वेरी कन्वीनियंट प्राइज ओके वी निग नेम द वोडन स्लो बर्क यू नो ही हैज़ दै केन लाइक स्लो पॉक वोड एंड केम इन बट आई गुडेंट अंडरस्टैंड हिम आई थिंक यू गॉड अ स्पीच प्रॉब्लम ओके ये उस बंदे की बात कर रहे हैं जो अजीब सी भाषा में बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन है ये सारे किस बारे में बात कर रहे हैं वो मेरे को रुको दिखाता हूँ आप लोगों को ये मैं समझ गया कि इसके बारे में बात कर रहे हैं आ, ये घर था एक यार किधर गया येरा इस जगह पर जाओगे ना आप तो इस घर में जाओगे इसमें या साइड वाले में दोनों में से एक घर ये वाला बंदे इसके बंदे के बारे में बात कर रहे हैं देखो हिफ हफ हैफ हिफो इससे हमने बात भी करी थी शायद पहले ठीक है तो अभी हम इसकी भाषा नहीं समझ सकते अरे यार ये बारी बारी मैं यस नो क्या कर रहा हूँ तो ये पोकेबॉल में शायद कुछ बढ़िया हो सकता है लेकिन इसके लिए हमें इस पत्थर को किस तरह से हटाना है वो नहीं पता मुझे तो अब हम सीधा जाएंगे सबसे पहले सफ़ारी जोन किधर से एंटर करना है शायद इधर से कट अटैक है हमारे पास कट करेंगे चलो आगे बढ़ें और आई गेस भाई किधर है सफारी जोन यहाँ से कुछ रास्ता है भाई आप देख सकते हैं ओके ये है शायद सफारी जोन सफारी गेम पोकेमोन यू कैन कैच पोकेमोन यू कैच आई गेस कुछ लिखा हुआ था तो सबसे पहले हम साइकिल निकाल लेंगे अपनी बैग यूज़ अच्छा यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते वहाँ पर जाकर अंदर जाकर यूज़ कर लेंगे कोई बात नहीं वेलकम टू द सफारी जोन फॉर जस्ट 500 हंड्रेड यू कैन ऑनली पे प्ले सफारी जोन बस पाँच सौ तो भाई क्या चीज़ है हमारे लिए तीस, तीस सफारी बॉल्स भी मिली विच इज़ गुड यार और यहाँ से हम अपनी बाईसाइकिल निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम सफारी जोन एंटर कर चुके हैं ओके मोन शायद हमारे पास कोई टाइम लिमिट टाइप होती है इसके अंदर कि हम इतने टाइम तक ही या कुछ एक टाइम पीरियड के लिए ही हम इसमें रह सकते हैं यहाँ पर इधर जाएंगे सबसे पहले दो तो देखते हैं भाई किधर जाना है मेरे तो नहीं पता है यहाँ के यहाँ से देखते हैं कहीं तो जाना ही रहेगा ओके यहाँ पर एक नीडो रीनो हमारे पास नीडो किंग है भाई अरे यार मैंने गलती से यहाँ पर पकड़ लिया कोई बात नहीं ना आए नहीं आया तो बढ़िया ही है क्योंकि हमारे पास है तो क्या ही करेंगे पकड़ के चला भी गया वो तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे यहाँ पर कुछ है मुझे फाउंड वन लीव स्टोन ओके यहाँ पर लीव स्टोन मिला हमें विच इज़ गुड उधर कैसे जाना है भाई ना इधर जाने का रास्ता इधर जाते हैं अब लेथ सी इधर जाते हैं अरे एक और पोकेमोन आ गया है मतलब यहाँ पोकेमोन आते रहेंगे नीर नीरू रैन फीमेल नहीं चाहिए मुझे ओके तो यहाँ पर हम यूज़ करते पोकेबोल टी एम इलेवन सनी डेकर के कुछ था पता नहीं भाई क्या है ये पत्थर है कुछ तो इसको तो हम हटा नहीं सकते इधर जाएंगे और इधर से हमें कुछ मिला है फुल रिस्टोर ओके यहाँ पर देखो यार पोकेमोन जाते आते रहेंगे एक और नीडो रीनो कोई ढंगे पोकेमोन ही आ जाए ये तो हमें पता ही है भाई ये तो है ही है हमारे पास एक मिनट यहाँ भाई अरे यार इतने सारे पोकेमोन भी नहीं आने चाहिए एक और निडो रिनोविट से हद यार वैसे लेवल थर्टी थ्री का नीडो रिनो भाई बहुत है सच में यहाँ क्या मेंशन है भाई रेस्ट हाउस तो कुछ तो है ही चलो जाके देखते हैं क्या है क्या अब तक कुछ मिली जाए हमें हाउ मैनी डिज आई एम बस्ट फ्रॉम द एफर्ट क्या था ये आई गॉट अ चैन ही दैट मेक्स इट दिस ऑल वर्थ वाइल्ड वे ओ आई एम टायर्ड फॉर ऑल दिस फन नहीं भाई कुछ खास नहीं था मतलब तो ये रेस्ट हाउस बेकार ही होंगे जहाँ तक है एक आधा कोई अच्छा भी हो सकता है निकल जाए तो बैग पर जाकर हम बाईसाइकिल यूज़ अब जाना किधर से है भाई मुझे ये नहीं पता ऊपर जाके देखते हैं इधर जाएंगे वाह क्या बात है अरे मैं बोलने वाला था क्या बात है कोई पकी नहीं आया उतने में ही एक नीडो रिनो आ गया और भाई बारी बारी नीडो रिनो ही आए नीडो रिनो हाँ नीडो रिनो ही आए जा रहा है हद है तो यार यहाँ से हम बाहर निकल गए हैं बट मेरे को एक चीज़ जाननी है कि ये वाला पोके बॉल किस तरह से मिलेगा मुझे एक मिनट ये वाला पोके बॉल रह गया है एक मिनट एक एग्जीक्यूटो एग्जीक्यूट सॉरी इसका बड़ा रूप भी हम बना सकते हैं वैसे इसको पकड़ना चाहिए दिस में भी नाइस तो मजा जाए तो सफारी हमारे को, को फायदा जाना केयरफुली चलो ये बॉल एक और बार डालेंगे एग्जीक्यूट क्योंकि डाटे तो है नहीं कोई तो हो सकता है कहीं ना काम आ जाए भाई यार वॉचिंग केयरफुली इसको मैं कुछ ये बेट वगैरह ये रॉक बेट क्या है ये शायद खाना खिलाता है बेट तो इससे हम क्या करेंगे अरे ये क्या हुआ वो भाग गया यार चलो कोई बात नहीं वापस आ जाएगा कभी ना कभी तो हमें एक और एग्जीक्यूटोर मिल जाएगा ओके यहाँ पर मैक्स पोशन ठीक है बढ़िया आइटम्स मिले हमें यहाँ पर अब हम चले जाएंगे इधर कुछ जगह पर देखते हैं लेट्स सी अगर एक और एग्जीक्यूट और, और या एग्जीक्यूट सॉरी एग्जीक्यूट आ जाए यहाँ पर नीडो रैन यार। फीमेल नहीं चाहिए यही आए जा रहे हैं बार बार अब निकलेंगे हम बाहर की तरफ ओके okay, तो हमें अगर बाहर आ गए हैं अब हमें किधर जाना है इधर जाके देखते हैं इधर तो भाई इधर से इधर निकल जाएंगे हम लेट्स यहाँ पर कुछ है एक क्विक क्लॉ करके कुछ मिला हमें आई डोंट नो वट इज़ दिस उसके बाद यहाँ कुछ जगह नहीं है जाने की तो वापस है हमें वापस इधर ही जाना होगा ओके okay, यहाँ पर एक और वाइल्ड पॉकी बस नीडो रैन या वो सब ना ओके पैरस आई डोंट वांट टू कैच अरे यार गलती से बॉल चली गई क्या हो रहा है यार शुक्र है नहीं आया मुझे चाहिए भी नहीं था पैरस इज वॉचिंग फुली रन और यहाँ पर हम आगे जाएंगे डिंग डोंग टाइम्स अप सफारी गेम इज ओवर अल अ फेयर शेयर यू कम अगेन ओके हम फिर से जाएंगे अंदर अभी तो मैं मज़ा आने भी नहीं लगा था यस आई वुड लाइक टू प्ले ओनली स्पेशल काइंड ऑफ पोकेबॉल ठीक है भाई हमें पता चल गया है एक बार बता दिया तूने आ जाओ भाई सफाई जोन पे फिर से हम बाईसाइकिल निकाल लेंगे कम से कम कुछ तो स्पीड आती है बाईसाइकिल से हम किधर गए थे भाई पहले हम गए थे इस साइड तो जा ही आए हैं ना शायद भाई मुझे याद नहीं है मैं गया भी किधर था ओके यहाँ पर एक पैरासेक्ट भाई नाइस बट आई डोंट वांट टू कैच भाई यहाँ पर तो हम शायद आ ही चुके हैं तो चलो यहाँ से हम निकल जाएंगे बाहर किधर से जाना है यार यहाँ मैं आ चल गया है यहाँ पक्का मुझे पता था वाइल्ड पॉके बनाएगा इतनी बड़ी घास जो है ओके okay, यहाँ पर एक निडो रिनो नो आई डोंट वॉन्ट टू कैच को ढंगके पोके आए तो पकड़े भी जैसे कि एग्जीक्यूट आया था हम पकड़ने की कोशिश भी बट ऑफ कोर्स वो आया नहीं आपको भी पता है वो रैन मेल नहीं चाहिए भाई बाहर निकल जाएंगे यहाँ से यहाँ पर अब आए थे और यहाँ से हमें कुछ तो मिला था पोके पॉल यहाँ पर हमने कर दिया जो करना था अब आओ इधर इधर से बाहर निकल जाएंगे हम ऊपर से जाके ए नीडू रैन मेल भाई यही तो पो दो पोगेमन है यहाँ पर एग्जीक्यूट वापस आ जाए यार कम से कम कुछ फ़ायदा दो है हमें तो यहाँ पर हम आ गए हैं अब जाना देखते हैं किधर है ओके यहाँ पर एक एग्जीक्यूट एक, एक फिर से आया यार इस बार हम पकड़ेंगे सफारी बॉल लेट्स सी इफ आई कैन कैच नहीं आ रहा यार ये तो वॉचिंग केयरफुली ओके गे, मैं सफारी बॉल यूज़ कर लेंगे यार वीडियो चलो थोड़ा लंबा बनेगा आज क्योंकि मुझे नहीं पता चल ओके यहाँ पर फिर से आ गया यार बाहर ये और कैच कर ही नहीं पा रहा मैं पता नहीं क्यों आई नहीं लाइए पॉजिटिव भाई एग्जीक्यूटिव माओ यार ये बेट और हो पता नहीं किया पिछले मैंने बेट करा तो एग्जीक्यूट भाग ही गया अब तो मैं वो नहीं करूँगा एक्चुअली तो यहाँ पर एग्जीक्यूट एक्जीक्यूवर देखते हैं पता है भाई लेट्स सी पाँच सातों के पास तो हमारी खर्ची पाई गई इसने फिर से हमको करते हैं पकड़ के मेरा अब तो इसने ईगो कर दिया मेरा हद अभी भी नहीं आ रहा और ये देखो चला भी गया दैट्स टू बैड ऑफ यू ओके पर एक और वाइल्ड पोकेमोन यार गलती से मैं घास की ओके यहाँ पर फिर से मेरे लगता है भाई, भाई आ गया सफारी बॉल बॉल लेट्स सी इफ आई कैन कैच नाउ है है भाई भाई आना नहीं तो फिर आता क्यों कम ऑन यार क्या चीज़ है भाई आता ही नहीं मुझे पकड़ना है अब तो अब तो पक्का मैं पकड़ के ही जाऊँगा इसको यहाँ पर एक और पोकी बॉल हमें मिला है टी एम फोर्टी सेवन स्टील विंग दैट्स गुड यार अच्छे अच्छे मूव्स भी मिले हमें प्रोटीन करके कुछ मिला है हमें और अब जाना किधर है भाई यार मुझे ये नहीं पता चल रहा है इधर मैं जा ही नहीं पा रहा ओके okay, यहाँ पर चला गया अरे यार मैं घास में अंदर क्यों घुस गया ओके okay, हमें एक चैंसी कुछ नया देखने को मिला चलो एक बार बॉल यूज़ करके देखते हैं अगर चैनसी को पकड़ सके। लेट्स सी वन टू नहीं चाहिए यार नहीं चाहिए चैनसी बाहर में जा वैसे ही हमारे कोई काम तो आने नहीं ऐसी बस टाइम पास कराने आ गई ओके okay, अब हमें यहाँ जाना चाहिए शायद यहीं जाना होगा यहाँ पर एक और पोकी बॉल अरे 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 भाई गोल्ड टीथ ओके okay, ये शायद गोल टीथ मुझे पता है क्या करना है नहीं पता सॉरी uh, यहाँ पर और कुछ भी मिला हमें मुझे फाउंड वन टी एम टू डबल टीम करके कुछ इस घर के अंदर ये कुछ अलग सा घर है देखते इधर क्या है फाइनली यू आर द फर्स्ट पर्सन टू रीच द सीक्रेट हाउस ऑल दो आई मेड अ कैंपेन फॉर आर ग्रैंड ओपनिंग

वापस से बैग पे जाएंगे और बाईसाइकल यूज़ क्या अब हम यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं इसको पोकेमॉन पर जाएंगे और इफ़ आई यूज़ भाई सर्फ सिखाना पड़ेगा सबसे पहले मुझे नहीं सिखाना अभी यहाँ से मेरे को अपने आप ही बंदा बाहर ले जाएगा ना वो डिंग डोंग करने वाला तो अभी हम क्या करते हैं कुछ पोकेमॉन्स ढूंढते हैं अगर हमें कुछ मिल जाए यार बढ़िया सा कोई पोकेमॉन हो गया यहाँ पर डिंग डोंग टाइम से अब एक बार और जाएंगे सफारी जोन ठीक है और हम कुछ पोकीमोन्स पकड़ने की कोशिश करेंगे अगर हमें एग्जीक्यूट वगैरह कुछ ढंग का पोकेमोन मिलता है Then I will try to catch them, क्योंकि अभी वीडियो तक भी कुछ खास बड़ा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं और आस में अच्छे पोकेमोन्स है एक्चुअली ओके और एग्जीक्यूट एक 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 आया है अब देखते हैं है, तो से एक, दो भाई अब मैं क्या ही कहूं क्या ही कहूं मतलब खत यार सच में हद हो नहीं रहे ये देखो ये खाना खा रहे हमारे खाना खा के जा रहे हैं ये आ नहीं रहे हैं दो दो के बाद नहीं आ रहा यार मतलब एक बार फिर से खाना खिलाना पड़ेगा इसको काफी अच्छे अच्छे बट तो नहीं, नहीं। पा रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है बिल्कुल भी एक दो तीन फाइनली गाइज एग्जीक्यूट वो स्कॉट वाओ फाइनली 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 यहाँ पर हमने पकड़ लिया एग्जीक्यूट और ये इवॉल्व करना भी मुश्किल नहीं है हमारे लिए पता है आपको क्योंकि ये लीफ स्टोन से इवॉल्व होता है और लीफ स्टोन हमारे पास है ही है तो थोड़ी देर और वेट करते हैं अगर कुछ साइथर आ गया है क्या पता अब हमारा लक अच्छा है यहाँ पर थोड़े हमारे भाग खुल जाए तो हम साइथर भी पकड़ जाएँ तो मज़ा ही आ जाएगा आज का वीडियो बहुत तगड़ा बन जाएगा अलह बेट खिलाया और भाग गया साइथर कोई बात नहीं अब हम चले जाएँगे आर यू गोइंग टू लीव सफारी जो अर्ली येस प्लीज़ रिटर्न एनी सफ़ारी बोल्स यू मे हैव लेफ्ट ले जाए यार नहीं चाहिए ठीक है हमने एक्जीक्यूट पकड़ लिया अब हमें क्या करना है सबसे पहले मुझे शायद पता है गोल्डन टीथ का क्या यूज़ है तो गोल्डन टीथ का हम कुछ यूज़ करने वाले हैं अब देखते हैं अगर कर सकते हैं तो गोल्डन टीथ अभी जो हम बात कर रहे थे ना वो वार्डन की जो अजीब सी बाशा बोल रहा था उसको शायद देना है गोल्डन टूथ या टीथ जो भी है ये देखो मुदिल गिव द गोल्डन टीथ गोल्ड टीथ टू द वोडन द वोडन पॉप डिन इज टीथ थैंक्स सन यू आर अ लाइफ सेवर नो वन अंडरस्टैंड अ वर्ड दैट आई से वन आई वॉज टू अम टू शो माई फेस अराउंड दफिस इवन लेट मी गिव यू समथिंग फॉर योर ट्रबल मुदिल रिसिव्ड एच एम फोर फ्रॉम वोडन और एच एम फोर मिला मैं जो शायद स्ट्रेंथ है जिसके अंदर और उससे क्या होगा अब हम एच एम पहले दे देते हैं उससे वो पत्थर है ना जो पोकेबॉल है साथ में उसको हम हटा सकते हैं विच इज़ गुड तो भाई किधर जाना है टी एम केस किधर है हमारा यहाँ पर ये रहा टी एम केस ओपन एच एम थ्री सर्फ है जो कि सर्फ यूज़ करते हैं सबसे पहले हम भाई गैराडोज को सिखाएंगे हमारा जो वोटर टाइप पोकेमोन है गैराडोज वॉन्ट्स टू लर्न सर्फ येस आई विल डीलीड अ मूव ड्रैगन रेज है हटा देंगे हम और फाइनली यहाँ पर बहुत तगड़ा बन जाएगा जब सर्फ सीख लेगा तो मज़ा ही आ जाएगा एक बार सर्फ सीख ले मशीन सेट हो गई है यहाँ पर हिडन मशीन होती है ना शायद एचएम HM की वो फुल फॉर्म यहाँ पर गैराडोज लर्न सर्फ और यहाँ पर एक स्ट्रेंथ भी है अटैक जो कि हमें यूज करना है अब किसको सीखाए स्ट्रेंथ स्नोरलैक्स है एबल चारिजार्ड भी एबल है गैराडोस को तो हमने सिखा दिया ना पिकाचू नहीं और नीडोकिंग को सिखा देते हैं नीडोकिंग मोर शू लर्न स्ट्रेंथ नोज ऑलरेडी फोर्थ मूव यस फोर्थ मूव हम हटा देंगे कट है रॉक स्लाइड है थ्रैश है डबल किक हटा देंगे और स्ट्रेंथ सिखा देंगे नीडोकिंग को और हाँ मेरे को अभी पोकेमोन देख के याद आया कि मुझे पिकाचू को इवॉल्व भी करना राइचू के अंदर डबल किक हटा दिया हमने तो लास्ट काम अब ये भी करेंगे हम कि पिकाचू को इवॉल्व कर लेंगे आज की वीडियो में थंडर स्टोन देकर स्ट्रेंथ भी सीख लिया स्ट्रेंथ बहुत ही तगड़ा मूव है इन साइड एच एम फॉर यू विल फाइंड स्ट्रेंथ इट लेट्स पोकेमोन मूव बोल्डर्स वेन यू आर आउटसाइड ऑफ वेल्टेल ओ यस डिड यू फाइंड द सीक्रेट हाउस इन द सफारी जोन यस आई फाउंड दैट सीक्रेट हाउस और उसमें हमें सर्फ भी मिला इट्स अ बिग बोल्डर बट अ पोकेमोन मे एबल टू पुश इट अ साइड वुड यू लाइक टू यू स्ट्रेंथ येस आई विल यूज़ निडो किंग यू स्ट्रेंथ और यहाँ पर बोल्डर क्या हम हा, हा, हटा देंगे ओके यहाँ पर हटा दिए हमने एक रेयर कैंडी के, के लिए हमने इतनी मेहनत करी चलो कोई बात नहीं ये फॉसिल हमें देखा क्या ओल्ड पोकेमोन मर्चेंडाइज इज़ ऑन डिस्प्ले नहीं देता है यार छोड़ो अब चलो अब लास्ट काम जो हमारा होगा वो हमें करना है विच इज़ इवॉल्विंग द पिकाचू इन टू राइचू देखो राइचू कईयों को पसंद नहीं है पिकाचू क्योंकि ज़्यादा लोगों को पसंद है बट अभी के लिए मैं करने वाला हूँ उसका रीज़न बताऊँ क्यों है क्योंकि इस गेम के अंदर पिकाचू का डिफेंस वगैरह बहुत वीक है और एक बार अगर वो आ जाए भाई थंडा स्टोन ये रहा अगर एक बार मैं पिकाचू को कर दूँ राइचू में इवॉल्व तो उसका डिफेंस टैक्स अच्छा हो जाएगा ओके यहाँ पर राइचू को हमने पिकाचू को यहाँ पर हमने ठंडा स्टोन दे दिया है जो कि इसको बदल देगा किस में राइ में जो कि काफ़ी अच्छा भूके है हमारे लिए ही इस जर्नी में काम आएगा तो इस बार चेंज कर लेंगे भाई ऐश का पिकाचू होता तो शायद ना करते क्योंकि वो बहुत स्ट्रोंग है क्योंकि उसका जज्बा ही अलग है बट ये नहीं है वो ऐश का पिकाचू गेम तो स्टैट्स के हिसाब से चलेंगे नॉट इमोशंस के हिसाब से ठीक है तो यहाँ पर हमने पिकाचू भी इवॉल्व कर लिया मगर मैं, मैं राइचू दिखा देता हूँ अपना ये रहा हमारा राइचू यहाँ पर इसकी समरी में देखो आप डिफेंस इसका कैसा हो गया यार डिफेंस लेवल थर्टी टू का है सबसे पहले तो ये और डिफेंस इसका है एटी एट इसकी मैक्स एच पी है ठीक है और यहाँ पर हमें अभी लेवल अप भी करने है भाई पोकेमॉन्स को अब अब हम चले जाएंगे पोकेमोन सेंटर तो अभी हमने कुछ करा ही नहीं तो मतलब अभी इस वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा मतलब कुछ पोकेमॉन्स पकड़ लिए आज के वीडियो में हमने और साथ ही साथ सफारी जोन में हमें सर्फ मिल गया और साथ ही हमें मिल गया क्या नाम है गोल्डन टीथ के बाद हमने स्ट्रेंथ भी मिल गया था हमें तो यही था आज का वीडियो और आई होप यू लाइक द वीडियो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड आज के लिए बाय बाय दोस्तों